कहेंगे सर बल्कि अलायंस के हवाले से जो कल हुए अलायंस 25 साल की रफाकत छोड़ के चले गए, क्या समझते हैं कि जिनके साथ दिए हैं उनकी रफाकत चल पाएगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि प्यास जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे छोटे ताजर को और जो बिजनेस कम्युनिटी को इंडस्ट्रियलिस्ट को इस वक्त जो मसाइल हैं बिजली के गैस के और जो इस वक्त बजट में जो लोगों को बहुत मसाइल आए हैं जो बिजनेस के हालात हैं, हमने उस चीज को हल करना है। और असल चीज ये है कि हमारा इस वक्त जो है मेंबर्स के साथ और वोटर के साथ जो रابطہ है वो है और पहले से ज्यादा मजबूत है, और इंशाल्लाह उनके जो मिसाइल हैं वो हम इसी प्लेटफॉर्म पे प्याव के प्लेटफॉर्म पे हल करेंगे और जैसे पहले हल करते आए। सर आप डीसी मेंबर की जो है सीट पे इलेक्शन लड़े हैं, कितनी पूरी उम्मीद है? देखें जब तक आखिरी वोट कास्ट नहीं हो जाता और जब तक डब्बे नहीं खोल जाते हम इलेक्शन को इलेक्शन ही समझ रहे हैं, और उसके बारे में प्रेडिक्ट करना तो पहले नामुमकिन होता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तभी मालूम होगा, लेकिन हमने मेहनत करनी है और अपने वोटर्स को इज्जत भी देनी है और उसके मसाइल जो है वो हल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे तरफ देख रहा है, उसको हम पे एतमाद है और इंशाल्लाह हम उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe, Lahore City News.